भाई लोगों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, ओल्ड इज गोल्ड। और ये कहावत अपने आप को हर दफा प्रूव करते नजर आई है। यस, जॉली एलएलबी थर्ड पार्ट आ रहा है, जिसके दो पार्ट पहले ही आ चुके हैं। अरशद वारसी का आज से 10 साल पहले 2013 में फर्स्ट पार्ट आया था एज जगदीश त्यागी जॉली एलएलबी फ्रॉम मेरठ। देन उसके चार साल बाद 2017 में अक्षय कुमार का सेकेंड पार्ट आया था जॉली एलएलबी के नाम से, जगदीश्वर मिश्रा फ्रॉम लखनऊ वाले एज जॉली एलएलबी। लेकिन भाई, किसी ने उम्मीद करा था कि ये दोनों बंदे एक साथ आने वाले हैं जॉली एलएलबी 3 में? और भाई, इसका जो टीजर अनाउंसमेंट हुआ है, मूवी अनाउंसमेंट हुआ है, क्योंकि शूट बिगिन हो चुका है, यही फाड़ के जा रहा है, यही दमदार लग रहा है। क्योंकि जगदीश्वर मिश्रा यानी अपने अरशद वारसी, सीधा अपने वही चुलबुली अंदाज में जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, एज इट इज डिक्टो देखने को मिल रहा है, जो सीधा सीधा बोल रहे हैं खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए जॉली एलएलबी थर्ड पार्ट के लिए जगदीश त्यागी फ्रॉम मेरठ वाले, कि भाई डुप्लीकेट से सावधान रहना। देन सेकंड, दूसरी तरफ ही अक्षय कुमार देखने को मिल रहे हैं, जो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जगदीश्वर मिश्रा फ्रॉम लखनऊ वाले एज जॉली एलएलबी। भाई क्या होने वाला है कहानी? क्या ये दोनों एक साथ आने वाले हैं आमने सामने? आमने सामने की लड़ाई होगी तो भाई मजा ही आ जाए, क्योंकि दोनों ने अपने अपने जो सेपरेटेड पार्ट थे फाड़ के रख दिया था, दमदार काम किया था दोनों ने ही। पहले कुछ और कैरेक्टर था, देन उसके बाद दोनों ही मूवीज में उन दोनों का हृदय परिवर्तन होता है और वो दोनों पूरी लंका की आग लगा देते हैं। और यहाँ पर भाई, जब ये दोनों एक साथ मिलने वाले हैं, क्या एक साथ काम करेंगे या आमने सामने काम करेंगे? अगर स्टोरी का ये पार्ट रहा, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पहले ये अपोनेंट्स में रहेंगे, फिर उन्हें पता लगेगा कि भाई जो आगे आने वाली दिक्कत है या प्रॉब्लम है वो इससे भी ज़्यादा है, तो क्यों ना मिलकर काम किया जाए। खैर, ये बस प्रेडिक्शन था, कोई कहानी नहीं थी। क्या होगा क्या नहीं होगा, आप नीचे जरूर बता के जाना कि आगे आने वाली कहानी क्या हो सकती है। फिलहाल मैं चाहूंगा कि ये दोनों अगर आमने सामने देखने को मिले शुरू से लेकर लास्ट तक, तो फिर मजा ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही फाइन फाइन एक्टर हैं। बात आगे बढ़ाएं इस ओल्ड इज गोल्ड वाले मुहावरे में ही, तो मनोज बाजपेयी की एक और मूवी आ रही है जो ओल्ड इज गोल्ड का कनेक्शन सीधा बैठाते नजर आ रहे हैं गैंग्स ऑफ वसीपुर से, उसका प्रीक्वल या फिर सीक्वल नहीं। इसका मतलब ये, जो सैवेज कैरेक्टर और सैवेज लुक हमें मनोज बाजपेयी का वहां देखने को मिला था, वही लुक वही सैवेज कैरेक्टर यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर भी गुंडा ही था और यहाँ पर भी गुंडा का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अभी अब एक बाप बन चुका है, उस समय भी बाप था, इस समय भी बाप है, लेकिन इसके बेटे को बिना कुछ किसी जाने, मतलब इसके बेटे की लास्ट तक नहीं देखने को मिली, जो ट्रेलर कह रहा है। भाई ट्रेलर बहुत बहुत प्रॉमिसिंग है, और बाद में वो जो एक ही चीज़ दमदार कर गई भाई, एक ही चीज़ प्रॉमिस दे के चलेगी, जब वो अपने विलेन से, अपने सामने वाले विलेन से कहता है कि भाई मुझे अपने बेटे को दे दो, मैं उसे मृत्यु लोक पहुंचाऊंगा, देन उसके बाद इज्जत के सहित उसके अवशेष को आपके हाथ में धरूंगा और क्षमा याचना कर लूंगा। मतलब ये तो वही बात होगी गैंग्स ऑफ वसीपुर में, जो कहा था कि भाई सब कह के लेंगे, और ये कह के ले रहे हैं यहाँ पर भी। तो भाई भैया जी का कैरेक्टर ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने साथ, मूवी का ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है। तो ऐसा मूवी फॉलो करेगी कहानी को, गैंगस्टर क्राइम ड्रामा, जो भाई ट्रेलर में साफ देखने को मिल रहा है। भैया जी की अपनी एक अलग गैंग है, जिसने अलग एक रेस्पेक्ट कमा रखी है, जिसका अलग एक दबदबा बना है भैया जी के नाम से, और सामने कोई पॉलिटिकल लीडर टाइप देखने को मिले, लेकिन वो भी एक गुंडा है जो उसकी धज्जियां तो उड़ा के नजर आएगा ही आएगा। मतलब एक बार फैमिली मैन का मनोज बाजपेयी भी देखने को मिलेगा, एंड गैंग्स ऑफ वसीपुर का वो सरदार सिंह वाला कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, और दोनों का कॉम्बो हमें भैया जी में देखने को मिलना है। तो कौन कौन कितना एक्साइटेड है? भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, क्योंकि ट्रेलर कुछ कह गया है कि भाई वेट कर लो, मजा आ जाएगा। बाकी इन दोनों मूवी के लिए कौन कौन वेट कर रहा है? जॉली एलएलबी 3 भाई साहब अगले साल यानी 2025 में आ जाएगी, क्योंकि उसकी शूटिंग बिगिन हो चुकी है। एंड जज के रोल पे हमें सौरभ शुक्ला देखने को मिल रहे हैं, वही जज जो जॉली एलएलबी सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिले थे, अलग ही उनकी छवि चल रही थी, अलग ही भूमिका चल रही थी, तो वेट है। बाकी भाई न्यू चैनल स्टार्ट किया है, काम पसंद आता है, यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नए हो तो नए ही होगी क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं नहीं, और ऐसे ही मिलते रहेंगे। बाकी वीडियो बहुत पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और सपोर्ट बरकरार बना के रखना, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है, इससे आगे आने वाले समय में भयंकर भयंकर कंटेंट लाने वाला हूँ, सब कुछ कवर अप करेंगे, साउथ इंडिया से रिलेटेड, चाहे अपना बॉलीवुड रिलेटेड, चाहे हॉलीवुड, एवरीथिंग जो हाई फाई रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, चाहिए।